हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक ये जीत। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम पे जो चार्जेज लगे हैं उसके बाद उसकी कौन कौन सी सर्विसेज इफेक्ट होने वाली है और कौन कौन सी सर्विसेज कंटिन्यू रहेगी। साथ ही हम बात करेंगे पेटीएम के जो कोब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और रेंट पेमेंट पर क्या इफेक्ट होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस, पेटीएम के केवाईसी रिलेटेड कुछ इश्यूज थे उसके बाद आरबीआई ने पेटीएम की कुछ बेसिक सर्विसेज को बंद करने के ऑर्डर्स दिए हैं। तो गाइस, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पेटीएम की जो बेसिक सर्विसेज हैं उनको बंद किया जा रहा है। पेटीएम ऐप कंटिन्यू रहेगा। पेटीएम ऐप को आप यूपीआई ऐप के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे गूगल पे को आप यूज़ करते हैं। तो पेटीएम की जो बेसिक सर्विसेज हैं जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम वॉलेट, पेटीएम फास्टैग, ये जो सर्विसेज हैं इनको बंद किया जा रहा है। पेटीएम ऐप कंटिन्यू रहेगा। तो गाइज, अब आपको क्या करना होगा, अगर आपने अपने पेटीएम पेमेंट बैंक को कहीं भी प्राइमरी अकाउंट के रूप में किसी भी यूपीआई ऐप पे लिंक किया हुआ है तो उसे अनलिंक करना होगा और दूसरा बैंक अकाउंट वहाँ पे आपको ऐड करना होगा। इसके अलावा अगर आप मर्चेंट हैं और आपने अपने मर्चेंट अकाउंट पे अगर पेटीएम पेमेंट बैंक को लिंक किया हुआ है उसी में अगर आपका पेमेंट आता है तो उसे भी आपको अनलिंक करना होगा, रिमूव करना होगा और दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। जैसे भारत पे मर्चेंट हो गया, आपका पेटीएम मर्चेंट हो गया, फ़ोनपे गूगल पे किसी भी प्रकार का अगर आपका मर्चेंट है उस पर अगर आपने पेटीएम पेमेंट बैंक को ऐड किया है तो उसे रिमूव करना होगा और दूसरा बैंक अकाउंट आपको वहाँ पे ऐड करना होगा। इसके अलावा अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक या वॉलेट में अगर कोई अमाउंट बचा हुआ है तो उसको आपको यूज करना होगा। इसकी जो डेडलाइन थी वो 29 फरवरी थी जिसे बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया। इन अकाउंट्स में अगर कोई पेमेंट बचा हुआ है तो उसे 15 मार्च तक यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेटीएम के कोब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स की। जो पेटीएम के कोब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है वो कंटिन्यू रहेंगे, आप पहले की तरह ही उनका यूज कर सकते हैं, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। पेटीएम एस बी रुपये क्रेडिट कार्ड का जो कैशबैक था वो पहले आपको गिफ्ट वाउचर के रूप में मिलता था, लेकिन अब गिफ्ट वाउचर वॉलेट बंद हो रहा है तो जो कैशबैक है वो आपको रिवार्ड पॉइंट्स के रूप में मिलेगा। आप रिवार्ड पॉइंट्स के रूप में उसे रिडीम कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेंट पेमेंट की। तो पेटीएम ने रेंट पेमेंट की सर्विस को अभी बंद कर दिया है। अभी आप पेटीएम से रेंट पेमेंट नहीं कर सकते हैं और साथ ही एजुकेशन पेमेंट भी नहीं कर सकते। उसमें जो लिस्ट दी हुई है इंस्टीट्यूट की उसी पे आप अपना एजुकेशन पेमेंट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपकी सभी क्वेरीज क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।